गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे आप सब? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी बडी में। जैसा कि टाइटल से पता चल ही गया होगा कि कल जो पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन मैं आज देने जा रहा हूँ, जेई मेन पेपर फर्स्ट। तो इसमें कुछ एक क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि हमको इसका इंटीग्रेट करना था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज एन थीटा माइनस साइन थीटा होल रेज वन बाई एन इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन रेज एन प्लस वन थीटा डी थीटा। तो सिंपली करना क्या है इसमें कि आपको साइन थीटा इज इक्वल टू टी, अभी थोड़ा इंटीग्रेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जैसे ही हम साइन थीटा इज इक्वल टी पुट कर लेंगे हमारे लिए थोड़ा ए इंटीग्रल और आसान हो जाएगा। तो हमने पुट किया साइन थीटा इज इक्वल टी, तो हमारा क्या हो जाएगा जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी हमारा आ जाएगा। तो इसकी जगह हमें पुट कर देनी है। फर्दर उसके बाद क्या होगा देखिए, उसके बाद इसमें से टी रेज एन जो है उसको कॉमन लेना है। क्या लेना है? टी रेज एन कॉमन लेना। जब टी रेज एन कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा देखिए, जैसे हम टी रेज एन कॉमन लेंगे तो हमारा हमारे पास ये आ क्या जाएगा देखिए, टी रेज एन कॉमन लेंगे तो अपने पावर के साथ बाहर आएगा। तो अभी क्या है कि टी रेज एन कॉमन लेंगे तो पावर वन बाई एन है, तो यहाँ पर बाहर कितना बचेगा? टी बचेगा। और अंदर क्या हो जाएगा? वन प्लस टी रेज टी अपॉन टी रेज एन आ जाएगा, होल रेज वन बाई एन अपॉन नीचे, तो वैसे एज इट इज रहेगा डी टी। अब क्या करना है कि देखिए इस टी को अब जब नीचे ले जाएंगे तो एक पावर इसका कम हो जाएगा, तो कितना? अभी एन प्लस वन है तो एन हो जाएगा, और इस टी को नीचे लेंगे तो एन माइनस वन हो जाएगा। अब फर्दर क्या करना है, इसको आपको एक्सलेट कर लेनी है, जो न्यूमिनेटर है उसको एक्सलेट कर लेनी। जैसे ही एक्सलेट करेंगे आपको डिनोमिनेटर मिल जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, हमने क्या किया कि वन माइनस वन अपॉन टी रेज एन माइनस वन को हमने एक्स एज्यूम कर लिया। तो देखिए उससे क्या होगा, हमें अब इसका फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा एन माइनस वन वन अपॉन टी रेज एन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। तो यहां से क्या हो जाएगा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें तो वैल्यू चाहिए डी टी अपॉन टी रेज एन की। तो हमने डी टी अपॉन टी रेज एन को एक साइड रखा, बाकी को इधर ट्रांसफर कर दिया। अब फिर से इस इक्वेशन में हम पुट किया तो हमारा हमारा इंटीग्रेशन कुछ ऐसा बन गया कि वन अपॉन एन माइनस वन एक्स रेज वन बाई एन डी एक्स। तो अब इसका हमको इंटीग्रेट करना है, जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा वन अपॉन एन माइनस वन जो पहले ही था, और इसका करेंगे तो पावर में एक इंक्रीज हो जाएगा और न्यू पावर से हमें डिवाइड कर देनी है, तो हमारा इतना आ जाएगा। अब देखिए हमें फंक्शन एक्स में नहीं दिया था, नहीं हमें टी में दिया था, हमें फंक्शन किस में दिया था? थीटा में दिया था। तो मैं पहले इस एक्स को बदलेंगे टी में, फिर उस टी को बदलेंगे जो हमने थीटा में। तो देखिए हमने क्या किया, अभी इस एक्स की जगह पर टी रखा है, फिर फर्दर टी की जगह हमने क्या लिया था? साइन थीटा। तो इसलिए हमने साइन थीटा पुट कर दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको थोड़ा सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारा ये था, देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब कभी नया वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 लाइक करना ना भूले। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि हमें दिया कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एफ डैश वन एक्स स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश टू एक्स प्लस एफ ट्रिपल डैश थ्री दिया हुआ है, देन फाइंड, आपको F2 फाइंड करनी थी कि F2 या फिर हमारे पास चार ऑप्शन है इसमें F2 किसके इक्वल होगा। तो सिंपली क्या करना है आपको, देखिए हमारे ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हमारे ये फंक्शन दिया हुआ था, हमने फंक्शन को वन मान लिया और हमने एक फंक्शन अपने से ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, हमने एक क्यूबिक इक्वेशन ले लिया। अब देखिए क्या करेंगे, जब इसका इससे कंपेयर कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो ए की जगह पर कितना है वन है, बी की जगह पर कितना एफ डैश वन है, और सी की जगह पर एफ डबल डैश टू है, और डी की जगह पर एफ ट्रिपल डैश सी है थ्री है। अब ये करना है कि हमें इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एफ डैश वन मिल जाएगा, टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश मिल जाएगा, थ्री टाइम करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश मिल जाएगा, और वहां पर मतलब एक्स की जगह पर वन एक बार पुट करना है, एक बार टू एक बार थ्री पुट करके हमको वैल्यू एबीसी की वैल्यू निकाल लेनी है। देखिए क्या किया हमने, डिफरेंशिएट किया, पहले डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ए मिलेगा, इसको ए की वैल्यू वन है तो ए की वैल्यू पुट करके हमें इक्वेशन थ्री बना लिया। वैसे ही फर्दर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स मिलेगा। फिर हमने क्या किया, एक्स एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू है कितना, एफ डबल डैश एक्स हमें इतना मिला और ए की वैल्यू हमने पुट कर दी इतना हो गया। और फिर उसके बाद एक बार और डिफरेंशिएट किया तो एफ ट्रिपल डैश एक्स मिल गया जो कि सिक्स ए हो गया, और ए की वैल्यू हमारी वन है तो इसलिए हमने सिक्स मिल गया। अब उसके बाद क्या करना है कि एक्स की जगह पर टू जब पुट करेंगे तो एफ एक्स की जगह पर जब हम टू पुट करेंगे तो अब हम एफ डबल डैश टू की वैल्यू है कितना, हमने अभी एज्यूम किया है बी सॉरी सी, देखिए यहां पर हमने सी लेट किया है, और जब हम एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे इसमें तो हमें उसको बी की इक्वल रख देना है। इक्वल रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ एक इक्वेशन मिलेगा।
हमें क्या मिलेगा, एफ डैश वन की इक्वेशन, एफ डैश वन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखिए यहां से हमें मिल गई 3 + 2b + c इज इक्वल टू बी। अब यहां से एक इक्वेशन बना लेंगे, b + c इज इक्वल टू -3 मिल जाएगा हमें, हमने इसको इक्वेशन 5 एज्यूम कर लिया। और एफ डबल डैश टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 + 2b + c। अब यहां से भी हम एक इक्वेशन बी और सी में बना लेंगे, तो हमें 12 - 12 मिल गया। अब इन दोनों की इक्वेशन को ऐड कर देनी है, जैसे ही ऐड करेंगे सी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें खाली बी में बचेगा, तो बी की वैल्यू यहां हमें बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो इक्वेशन 5 + 6 हमने किया, तो बी की वैल्यू हमें मिल गई -5 मिल गया। अब इसके बाद देखिए बी की वैल्यू हम चाहे तो सी 6 में रख ले या 5 में रख ले, वहां से बी की वैल्यू रख के सी की वैल्यू निकाले, तो सी की वैल्यू आ गई 2। अब हमने बी ए बी सी की वैल्यू और डी की वैल्यू सबकी वैल्यू उठा के कहां रख दिया, इक्वेशन हमारा जो गिवन इक्वेशन था फर्स्ट में, ठीक है, इक्वेशन गिवन था हमने इसमें पुट कर दिया। तो देखिए हमें मिल क्या जाएगा, तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा x³, ठीक है, x³ -5x² + 2x + 6। अब हमें से पूछा था f2, हमें क्या पूछा था f2, तो x जगह पर आपको बस जनरली 2 रख देनी है, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या था, कंसीडर पी ऑफ एम इज इक्वल टू m³ - m + 41। तो दिया था, फिर उसमें हमने चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है कि p³ इज प्राइम, पहला हमारा है p³ इज प्राइम इज ट्रू, मतलब p³ प्राइम है और ये ट्रू है। एंड p₅ इज प्राइम, ए भी ट्रू दिया हुआ था कि ए भी इज ट्रू। सेकेंड है कि p₃ इज प्राइम ट्रू बट p₅ इज प्राइम फॉल्स दिया है। और थर्ड है कि p₃ प्राइम फॉल्स है और p₅ इज प्राइम ट्रू है। फिर फोर्थ आपका दिया है कि दोनों फॉल्स है, ना तो p₃ प्राइम है ना ही p₅ प्राइम है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। तो देखिए हमने पहले इसको लिख दिया, पी एम इज इक्वल टू हमारा इतना दिया था। अब m की जगह पर हमें देखिए बस खाली दो ही वैल्यू दिया है, p₃ और 5। तो हम एक बार 3 पुट करेंगे, एक बार 5 पुट करेंगे, देखेंगे क्या हमें 3 पुट करने पर प्राइम मिल रही है कि नहीं मिल रही, और 5 पुट करने पर प्राइम मिल रही कि नहीं मिल रही है। तो हमने जब 3 पुट किया तो हमें मिला 3 का² 9 -3 + 41 इक्वल टू कितना जाएगा, 47। सॉरी तो मैं 47 आ गया, तो 47 क्या है, एक प्राइम। तो पहला तो ट्रू हो गया। अब सेकंड को चेक करते हैं, हमने पी की जगह पर 5 रखा, सॉरी एम की जगह 5 रखा, तो 25 - 5 + 41 ये हमें मिल गया 61। तो ये भी हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया, मतलब कि p₃ इज प्राइम ट्रू है और p₅ इज प्राइम ट्रू है, तो आंसर फर्स्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से है, लेट अ सर्कल सी पासिंग थ्रू, कहां से पास कर रहा है, 4, 0 से, एंड टचेज द सर्कल, और इस सर्कल को टच कर रहा है कहां पर, एट -1, -1 देन रेडियस ऑफ सर्कल सी इज। तो हमें बताना है कि रेडियस ऑफ सर्कल सी का रेडियस क्या होगा। तो देखिए अब क्या करना है आपको, देखिए क्या है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये हमारा जनरल इक्वेशन है सर्कल का। इसका सेंटर क्या होता है, -g, f, और इसका रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस g² + f² - c। तो हम इसमें से क्या करेंगे कि जनरल इक्वेशन में से जी और एफ निकाल के, जी एफ और सी निकाल के इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो रेडियस आ जाएगा। देखिए आपको करना क्या है, तो देखिए हमारा जब टेंजेंट एट x₁ y₁ पे होता है तो इक्वेशन क्या होता है, कुछ इस टाइप का इक्वेशन में मिलता है, टेंजेंट x₁ y₁ पे होता है तो हमें इस टाइप का इक्वेशन मिलता है, x² की जगह क्या पुट कर देते हैं, सिंपल हम x² की जगह पर x x₁ y² की जगह पर हम पुट करते हैं y y₁, और x की जगह पर पुट करते हैं x + x₁, और y की जगह पुट करते हैं y + y₁। यहाँ पुट कर दिया, और हमारा ये पास कहां से कर रहा था, -1, 1 से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1, -1 से पास कर रहा था, तो हमने इसकी वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर दिया, तो हमें कुछ इक्वेशन हमें मिल गया, हमें ए इक्वेशन मिल गया। अब इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, इतना मिल गया 3x - 4y = 7 हमें यहां से मिल गया। अब देखिए अब रिक्वायर्ड सर्कल क्या हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड सर्कल तुम्हारा ये जो x - x - 1 का² + y + 1 का² + λ टाइम ऑफ a लाइन हो गया। अब उसके बाद अब पास कहां से कर रही है, ये सर्कल पासेस थ्रो 4, 0 से, 4, 0 से पास कर रही, तो इसको सॉरी
जब 4,0 से पास कर रही थी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगी, तो हमने क्या रखना है, एक्स इज इक्वल टू 4 और वाई इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। जब हम पुट करेंगे देखिए क्या मिलेगा, जब हमने पुट किया तो हमें लैम्डा की वैल्यू यहां से माइनस का 2 मिल गई। अब सॉल्व कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू यहां से माइनस 2 मिल गई। अब इस लैम्डा की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो हमें सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। तो हमने जब रखा लैम्डा की वैल्यू 2, जब इसे सॉल्व किया तो हमें कुछ एक क्वेश्चन मिला। अब इसे फर्दर जब सॉल्व किया तो हमें इतना मिल गया। अब इसे और सब सॉल्व किया गया तो फाइनली हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 10y प्लस का 16। अब जब इसका कंपेरिजन हमने इस इक्वेशन से करा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जब हम कंपेरिजन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जब कंपेरिंग ऑन कंपेयरिंग विथ इक्वेशन फर्स्ट वी गेट जी इज इक्वल टू 4, एफ इज इक्वल टू माइनस 5 और सी इज इक्वल टू 16। तो यहां से हमने इसमें रेडियस वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया तो हमें मिल गया हमारा रेडियस कितना आ गया, 5 आ गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें दिया हुआ है कि इफ साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस रेज 4 2 थीटा इज इक्वल टू 3/4, क्या है इतना में क्वेश्चन दिया है, और थीटा लाइज कर रहा है 0 to π/2। देन फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो हमें थीटा की सभी वैल्यू को निकालना है और उसका सम कर देना है, जितना थीटा की वैल्यू आएगी सम हो जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, हमारा इक्वेशन दिया था, हमने इसको लिख लिया साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस रेस 4 2 थीटा इज इक्वल टू 3/4 था। अब क्या किया हम इसको कॉस साइन स्क्वायर 2 थीटा को हम बदल लेते हैं कॉस में, तो इसको इतना लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, बहुत आसानी से लिख सकते हैं इसको, प्लस का 4 cos raise 4 2 थीटा इज इक्वल। अब इसको तो सॉल्व कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा कॉस रेस 4 2 थीटा माइनस का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस का 1/4 इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपको क्या करनी है, इसके बाद लेट कर लेनी है कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू टी। जैसे पुट करेंगे देखिए हमारे क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप का इक्वेशन बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस का 1/4 इज इक्वल टू टी। अब यहाँ पर टी को आपको सॉल्व कर लेनी है, तो देखिए हमारे क्या है, ये कुछ नहीं बल्कि हमारे टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है, टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो देखिए किसी का स्क्वायर कब जीरो होगा, किसी का स्क्वायर कब जीरो होगा, जब वो नंबर ही खुद जीरो होगा, तो मतलब टी माइनस 1/2 क्या है इक्वल टू जीरो हो जाएगा, टी माइनस 1/2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो हमने टी किसको माना था, हमने टी माना था कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा हमारा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2, इम्प्लाइज हो जाएगा यहां से 2 cos² 2 थीटा माइनस का 1 किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए हमारे किसका फॉर्मूला है, cos 4 थीटा का, cos 4 थीटा का हमारा फॉर्मूला है इज इक्वल टू जीरो, यहां से इम्प्लाइज हो जाएगा cos 4 थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 π/2। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, देखिए यहां से 4 को जब ट्रांसफर करेंगे तो 2n + 1 π/8 आ जाएगी। तो देखिए यहां से हमें थीटा की दो पॉसिबल वैल्यू मिलेगी, π/8 और 3π/8, हमें कितना मिलेगी, π/8 और 3π/8 यहां से हमें मिल जाएगा। अब इनका जब सम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4π/8 मीन्स हमें π/2 इसका आंसर मिल जाएगा। तो आपको जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन गिवन है उसमें से π/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से है, बोला है कि लेट वाई एक्स बी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वाई एक्स क्या है, इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद एंड वाई ऑफ π/4 इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई माइनस π/4 की वैल्यू हमसे पूछा है, तो कितना होगा। अब इसके बाद देखिए हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिख लिया, अब देखिए इसको इजिली हम इसको ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, dy/dx इज प्लस का 3 sec² x y इज इक्वल टू sec² x, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हम इसमें भी वही करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई रेज हमारा क्या होता है, pdx होता है, तो पी हमारा ये है, पी की वैल्यू हमारा ए है और क्यू की वैल्यू ए है, तो ई रेज पीडीएक्स होता है, तो हमने पीडीएक्स इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएक्स कर दिया तो हमें मिल गया sec² x का, जब हम डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा tan x। यहां पे देखिए इंटीग्रेट कर रहे हैं लेकिन यहां पर प्लस सी आपको नहीं लिखना है, प्लस सी नहीं लिखना है यहां पर, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई रेज 3 tan x। अब इसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या होता है,
हमारा क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c हमारा फॉर्मूला होता है, तो यहां से मेरे हो जाएगा। तो हमने क्या रखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां से पुट कर देनी है। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पुट कर देंगे तो y इंटू ई रेस 3 टेन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस 3 टेन एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखिए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या पुट करेंगे, टेन टेन एक्स इज इक्वल टू हमने मान लिया टी, हमने कैलकुलेट किया टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी यहां से आ जाएगा। तो इसकी जगह पर हमें क्या रख देना है, इसकी जगह पर हमें अब डी टी रख देना है और इसकी जगह पर टी टी। तो हमारा कुछ इस टाइम में हमारा कुछ ये फॉर्म बन जाएगा, कितना होगा, वाई इंटू ई रेस 3t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस 3t dt। अब ई रेस 3t का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस 3t होगा अपॉन में 3 आ जाएगा प्लस का सी। अब देखिए इस सी की वैल्यू निकालेंगे तब हमारा वाई एक्स आएगा, सॉरी अभी तो यहाँ पर वाई टी आएगा, अभी क्योंकि टी में फंक्शन तो वाई टी आएगा। यहाँ पर सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ कंडीशन दी हुई, तो उस कंडीशन का हम यूज करेंगे। जैसे हमारा कंडीशन क्या दिया हुआ है, तो ये कंडीशन यहाँ से दिया है कि वाई ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो टी को यहाँ से हटाएंगे क्योंकि हमारा फंक्शन टी में नहीं दिया था, तो क्या करेंगे, टी हमने लेट किसको किया था, टेन एक्स को, तो यहाँ पर टी की जगह पर पहले टेन एक्स रखेंगे। तो देखिए हमने जब टेन एक्स रखा तो हमारा कुछ ए फंक्शन बन गया। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें वाई ऑफ एक्स दिया हुआ था, वाई ऑफ एक्स मतलब वाई ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू 4/3 दिया था हमने यहाँ पर पुट किया वाई। तो देखिए कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से, वाई ऑफ 4/π/4 इज इक्वल टू, ये हमारा कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा, प्लस का सी इंटू, अब पाई बाई 4 यहाँ रखेंगे तो टेन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ई रेज माइनस 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे इक्वल टू 4/3 दिया था, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ से सी इज इक्वल टू ई रेज 3 आ जाएगा। अब फिर उसके बाद क्या करना है, इस सी की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देनी। जब इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो जनरली हमें मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या मिल जाएगा, वाई इज इक्वल टू 1/3 प्लस ई रेस 3 इंटू ई रेस माइनस 3 टेन एक्स। अब हमसे वैल्यू किसकी पूछी थी, अब हमसे वैल्यू इसमें पूछा गया है वाई ऑफ माइनस पाई बाई 4, तो बस आपको क्या कर देना है, यहाँ पर एक्स की जगह पर माइनस पाई बाई 4 रख देनी है। तो देखिए यहां से कितना हो जाएगा, हमें पता है कि टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो कितना हो जाएगा, ई रेस 3 ही आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ई रेस 6 प्लस 1/3 एक्स डी एक्स, सॉरी ई रेस 6 प्लस 1/3 आ जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप चाहते किसी तरीके का वीडियो मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब कभी नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।